अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आप लोग साथ साथ मैथ्स का होमवर्क अपनी नीट कॉपीज पे कर रहे होंगे। आप लोग नीट कॉपीज पे करें अपनी प्रैक्टिस के लिए, मैथ्स प्रैक्टिस के बगैर नहीं आता, तो आप लोग जरूर इसकी प्रैक्टिस किया करें। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 1.2 खत्म करेंगे। हमारा लास्ट जो है वो लॉ रह गया था, डी मॉर्गन्स लॉ। उसके अलावा हमने कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो सॉल्व कर लिया था। डी मॉर्गन लॉ कहता है कि इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, कि अगर आपके पास ए और बी सबसेट है यूनिवर्सल सेट के, यानी यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो यू में यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद है, तो क्या होगा कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। आप लोगों ने सी से भी कॉम्प्लीमेंट शुरू होता है और लाइन लगा के भी होता है। तो इसका पहला ये है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर आपके पास यहां यूनियन है और होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो आपने इंडिविजुअल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाना है, और अगर यहां यूनियन है तो यहां इंटरसेक्शन लगाना है। तो ये आपके पास पहला लॉ बन गया डी मॉर्गन का, यूनिवर्सल का। अब सेकंड क्या है कि अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट है, अब देखिए सेम है, बस फर्क क्या है कि यहां यूनियन है यहां इंटरसेक्शन, तो इसके दूसरी साइड पे भी क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा, लेकिन यहां अगर इंटरसेक्शन है तो यहां यूनियन आ जाएगा, और ये आपके पास डी मॉर्गन लॉ दोनों आ गए। अगर पेपर में डी मॉर्गन लॉ आता है तो आपको इसके दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं, वन बी और टू बी, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 अब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ इफ यूनियन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू प्राइम नंबर। तो अब हम ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज इफ। अब मैंने आपको बताया अगर लॉज लिखा है तो आपने इसके दोनों पार्ट करने हैं, तो सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट करते हैं, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी पहले पार्ट कर सकते हैं। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मैंने ये पहला लॉ लिखा है। अब अगेन इसमें कंसीडर करना है लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, अगर आपके पास होल के ऊपर ब्रैकेट होती है तो पहले आपने ब्रैकेट के बीच का सॉल्व करना होता है और फिर होल के ऊपर जो भी ऑपरेशन है वो करना होता है, जैसे कि यहां है कॉम्प्लीमेंट, तो यहां हम पहले ए यूनियन बी लेंगे और फिर उसको कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर की है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी लेंगे। ए आपके पास क्या है 5 यानी एम्प्टी सेट, यूनियन बी आपके पास क्या है, हम बी को अगर खोल लें, ए को हम एम्प्टी सेट के तौर पे लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आप लिख लें, आपको पता है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, और प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था कि 1 प्राइम नंबर नहीं है बल्कि 2, 3, 5, 7, 11 ये आपके पास प्राइम नंबर्स है। ए आपके पास एम्प्टी सेट, 5 को हम एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं, और ये मैंने आपको खोल के नेचुरल नंबर्स और ये सारा कुछ बता दिया। आपके पास बी क्या है 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन, इनका यूनियन क्या होगा, जब एम्प्टी सेट किसी के साथ इंटरसेक्शन होता है तो एम्प्टी ही आता है, और जब यूनियन होता है तो दूसरा सेट पूरा एज इट इज आ जाता है। अब इसका हम लेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है कि यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर देना। अब कॉम्प्लीमेंट आपने लेना है ए यूनियन बी का, तो इसका मतलब है यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस करना जो है वो क्या बनाता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। दोबारा बताती हूं कि कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस करना। अब आपने इस होल का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इसका मतलब है यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस करना जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी का
होल कॉम्प्लीमेंट. यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है? नेचुरल सेट जो क्या है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन माइनस ए यूनियन बी आपके पास क्या है 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन. अब माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब है कि इस सेट के वो एलिमेंट जो इसमें मौजूद नहीं है वो लिखना. माइनस का क्या मतलब है? इस सेट के वो एलिमेंट्स जो इसमें मौजूद नहीं है वो लिखना. जैसे 1 इधर मौजूद नहीं है, 2 इधर मौजूद है वो नहीं लिखेंगे, 3 भी इधर मौजूद है, 4, 6, 8, 9 अप टू सो ऑन. इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे. अब हम इसकी राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं. राइट हैंड साइड आपकी क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. अब देखें इंडिविजुअल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है. जब इंडिविजुअल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है तो पहले आप कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे. तो इसमें हम पहले क्या सॉल्व करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल में से ए को माइनस करें. अभी मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस करना. यूनिवर्सल आपके पास क्या है? नेचुरल सेट 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन माइनस ए आपके पास क्या है 5. अब माइनस का क्या मतलब है? इसके वो एलिमेंट जो इधर मौजूद नहीं है. तो कोई भी एलिमेंट इधर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है ये एज इट इज पूरा सेट आ जाएगा. ये हमने निकाला है ए कॉम्प्लीमेंट. अब हम निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट. बी कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल में से बी को माइनस करना. यूनिवर्सल में से हम बी को माइनस करेंगे. यूनिवर्सल सेट क्या है? 1, 2, 3 अप टू सो ऑन माइनस बी. बी क्या है? प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन. अब माइनस का क्या मतलब है कि इसके वो एलिमेंट जो इधर मौजूद नहीं है. अब हम इसका यूनिवर्सल लेंगे माइनस करेंगे इसके वो एलिमेंट जो इधर मौजूद नहीं है तो क्या होगा? 1 नहीं है, 4, 6, 8, 9 एंड अप टू सो ऑन. इक्वेशन 2 का नाम दे दिया. अगर आप देखें हमारे पास इक्वेशन 1 में क्या था? 1, 4, 6, 8, 9 अप टू सो ऑन. और इक्वेशन 2 में भी आपके पास है 1, 4, 6, 8, 9 अप टू सो ऑन. तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हैंस प्रूव्ड. ये हमने अभी डिमॉर्गन लॉ का एक लॉ प्रूफ किया है. अब हम इसका दूसरा लॉ प्रूफ करते हैं. दूसरा है इसका लॉ, हमने पहले यूनियन वाला किया, अब इंटरसेक्शन वाला है. ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. अगर यहां इंटरसेक्शन आएगा तो यहां यूनियन आएगा. अगेन कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, आपके पास ब्रैकेट आ गई है. ब्रैकेट का मतलब है कि पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है. ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यानी ए इंटरसेक्शन बी लेंगे. ए इंटरसेक्शन ए आपके पास क्या है? एम्प्टी सेट. इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है? प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11. इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या है? किसी भी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी ही होता है. अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनियन में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना. यूनिवर्सल सेट क्या है आपके पास? नेचुरल नंबर्स का सेट था माइनस ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है? एम्प्टी सेट. यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो इसमें मौजूद नहीं है तो इसमें तो कुछ भी नहीं है. इसका मतलब यूनिवर्सल सेट जो है वो पूरे का पूरा एज इट इज आ जाएगा. इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया. अब दूसरी साइड कंसीडर करते हैं. कंसीडर राइट हैंड साइड.
राइट हैंड साइड में आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब आपके पास इंडिविजुअल के ऊपर है तो आप पहले ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से ए को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल क्या है? 1, 2, 3 अप टू सो ऑन माइनस एम्प्टी सेट। तो मैंने अभी बताया जब किसी में से एम्प्टी सेट को माइनस करते हैं यानी इसके वो एलिमेंट जो इधर मौजूद नहीं है तो ये सारा सेट एज इट इज आ जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से बी को माइनस करना। यूनिवर्सल क्या है? नेचुरल सेट था माइनस प्राइम नंबर्स। अब इसमें से ये माइनस करने हैं अप टू सो ऑन। माइनस करने यानी इसके वो एलिमेंट जो इधर मौजूद नहीं है तो वो कौन कौन से हैं? 1, 4, 1, 4, 6, 8, 9, 10 अप टू सो ऑन। आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, इसका आप क्या लेंगे? यूनियन। यूनियन लेंगे तो क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? 1, 4, 6, 8, 9 अप टू सो ऑन। तो ये देखें जब इनका यूनियन लेंगे तो इसका मतलब है नेचुरल सेट कंप्लीट आ जाएगा 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप देखें तो हम यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूफ दैट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हमने इसके दोनों लॉज जो हैं वो प्रूफ कर दिए हैं। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। डिमॉर्गन लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे टेंथ में भी यूज होता है। तो आपके पास फर्दर कोई क्वेश्चन डिमॉर्गन लॉ का नहीं है लेकिन आपने इसकी एग्जांपल नंबर 5 जो है वो सॉल्व करनी है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए इसकी एग्जांपल नंबर 5 जो है वो होमवर्क में मैं दे रही हूं ताकि आप प्रैक्टिस करें और आपको डिमॉर्गन लॉ आए। तो होमवर्क में आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 7 तो ये आपने करना है और ताकि आपके पास आप प्रैक्टिस हो और आप लोगों को डिमॉर्गन्स लॉ बहुत अच्छी तरह आए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में 1.2 आपकी कंप्लीट हो गई है, 1.3 स्टार्ट करेंगे जो कि है वेन डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।